यार, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो यहाँ से साईं भाई की दुकान है, मतलब 5 किलोमीटर पर। जैसे हमारे भाई चला रहे हैं आगे, वैसे हमको सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। तो अभी हम निकलते हैं भाई से आगे। भाई नहीं बख्स रहे, और भाई का टायर बहुत ही ज्यादा हिल भी रहा है जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग, होप करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने के लिए अपने RS में। तो यार काफी बंदे हम लोगों को कमेंट करके पूछते थे कि भाई RS में जो है वो एग्जॉस्ट कैसे इंस्टॉल होता है। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि RS में जो है कैसे हम लोग एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड सुना देते हैं। चल चल। हाँ, अभी हम लोगों ने यार एग्जॉस्ट को निकाल दिया था, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसकी साउंड सुना नहीं पाए। ये बैंड तो ये हम लोगों ने RS का स्टॉक एग्जॉस्ट निकाल दिया है। अब बिना एग्जॉस्ट के ये गलत कर लिया भाई। भाई भाई बिना एग्जॉस्ट के तो भाई क्या ही तगड़ी साउंड आ रही है। तो ये हमारे एग्जॉस्ट की बैंड पाइप आ चुकी है, और ये रहा एग्जॉस्ट। तो अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और गाइस जो बाइक का फाइनल लुक आएगा ना वो गाइस काफी तगड़ा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। अभी फ्रंट में टेपिंग भी हो रही है। ये न्यू मॉडल ही जाना बाप रे, ड्राफ्ट नहीं है क्यों? आओ और मेरे अंदर इतना ही हो रहा है ना ट्रू ही। तो गाइज ये रही बैंड पाइप हमारे एग्जॉस्ट की, और ये रहा एक्रोफोबिक का एग्जॉस्ट। और गाइज यहाँ पे इसका स्टॉक एग्जॉस्ट इंस्टॉल होता है, और उसमें जो टोटल नट होते हैं वो 5 होते हैं, और 2 इस साइड होते हैं और 2 थोड़ा नीचे, बाकी 1 नट इधर। टोटल 5 नट से ये पूरा एग्जॉस्ट खुल जाता है, और ऐसा कुछ इसका स्टॉक एग्जॉस्ट होता है। साउंड तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। अभी हमारे एग्जॉस्ट में जो है वो डीबी किलर नहीं है भाई, काफी तगड़ी साउंड आ रही है भाई। तो गाइस विदाउट डीबी किलर तो आप लोगों ने इस एग्जॉस्ट की साउंड सुन ली होगी। तो अभी हमारी बाइक में एक और एक्रोफोबिक का ही एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, तो इसकी साउंड भी सुनाते हैं और देखते हैं कि कैसी साउंड आती है इसकी। वैसे दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जॉस्ट एक्रोफोबिक के हैं ना। तो इस एग्जॉस्ट को निकालने के लिए हम लोगों को 10 नंबर का स्पैनर चाहिए होगा, तो उससे वो इजीली निकल जाएगा। निकला तो RS में तो हम लोगों ने आपको विदाउट डीबी किलर एक्रोफोबिक की साउंड सुना दी, बट अभी हमारी NS में सुनो गाइस, विदाउट डीबी किलर विद एक्रोफोबिक। करो बुलाओन वो भाई, इसमें सही आ रही RS से, ठीक साउंड मेरे को इसमें लग रही है विदाउट डीबी किलर। बाइक का भी ले लें बात करते हैं। ओ या हूँ इतने गोल गोल कर दो आगे जे, थोड़ा जे पैन आ जे। सो गाइस इसके एग्जॉस्ट की साउंड करवाते हैं आपको चेक कर। अबू भाई ने लगवा दिया है, पता नहीं कौन से गियर में। तो देख लो भाई एक्रोफोबिक है ये भी, और भाई चेक कर तगड़े वाली साउंड है। तो भाई देख लो ओपी लेवल की साउंड है। और अभी हम निकलते हैं भाई से आगे। भाई नहीं बख्स रहे, और भाई का टायर बहुत ही ज्यादा हिल भी रहा है, जिससे हमको डर लग रहा है। भाई झुक के चला रहे हैं, और मजा आ रहा है। जो कहेंगे वो इधर ही छूट गई है, जाऊं मैं
बाकी मंडी में तो हमारे साथ है ही नहीं कोई भी ब्लॉगिंग के लिए। अगर हम घर पर होते ना भाई तो आपको फुल पावर ऐसे ही ब्लॉग देखने को मिलते हैं।